मोहल्ला पीरजादगान मुरादाबाद में वाक़ दरगाह ताजुल औलिया हजरत सरकार शाह सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब चिश्ती साबरी कुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह में 23 मुहर्रमुल हराम मुताबिक 2 सितंबर बरोज़े जुमेरात बाद नमाज असर हर माह की तरह इस माह भी 23वीं शरीफ की माहाना महफिल और हफ्तावारी महफिल कुल शरीफ नहायत अकीदत एहतराम के साथ मुनक़िद की गई और कुल शरीफ व लंगर के बाद सभी हाजरीन की खिदमत में कुद्दूसी लंगर भी पेश किया गया। ये बात काबिले जिक्र है कि दरगाह हाजा में हर माह चांद की 23 तारीख को बाद नमाज असर कुतुबुल अक्ताब कुतुबुल आलम हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब कुद्दूसी साबरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कुल शरीफ की महफिल आरास्ता की जाती है। इस मौके पर बाद नमाज असर कुल शरीफ पढ़ा गया, शजरा ख्वानी की गई और सलातो सलाम का नजराना भी पेश किया गया। सलातो सलाम के बाद ईसा अलैह सवाब किया गया और दुआ की गई। दरगाह कुतुब आलम हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह गंगो शरीफ जिला सहारनपुर के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली पीरे तरीकत हजरत अलहाज शाह मोहम्मद महताब आलम कुद्दूसी साबरी नोमानी के खलीफे मजाज और दरगाह हजरत शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नायब सज्जादा नशीन खलीफा सैयद यूसुफ अली कुद्दूसी साबरी ने दुआ फरमाई और हाजरीन ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की। हम सबके नसीबों में रोजे अखर की हाजिरी को लिख दे, अल्लाह हम सबके सगाई कबाई गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह जो हमने तनाव तनाइयों में गुनाह किए वो भी माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे रब करीम मजमे से दुआ जो रब करीम मजमे में गुनाह हुए वो भी माफ फरमा दे, अल्लाह तू बड़ा रहीम है करीम है, ऐ रब करीम अपने हबीब पाक साहिब औलाद के सबसे हम जितने इस दुआ में शामिल हैं, ऐ रब करीम तेरे वली हजरत शाह इब्राहिम साहब के दरबार में हाजिरी दी है, अल्लाह हम सबको सेहत और सलामती ईमान के साथ लंबी उम्र अता फरमा, हर बला और आफत जादू टोने से हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी शैतान के शर्ते शरी इंसान शरीर जिन्नात आने वाले लड़ाई झगड़े बदला गया तापा तासात बीमारियों से हिफाजत फरमा, जिस्मानी रूहानी कुव्वतें अता फरमा, दीन दुनिया की दौलत से नवाज दे, आने वाली बुरी घड़ी से हिफाजत फरमा, अल्लाह खातून जन्नत के सबके में हमारे घरों में जो बेटियां हैं उनके नसीबों को बुलंद फरमा दे, अल्लाह हमें नेक सवाले रिश्ते अता फरमा के साथ इज्जत से उनकी शादियां करा दे, अल्लाह उनके वालदैन को दस्ते गैब अता फरमा, अल्लाह उनके वालदैन को उनकी बेटियों की खुशियां नसीब अता फरमा, अल्लाह जिनकी शादियां हो गई हैं अल्लाह खातून जन्नत के सबके उन्हें ससुराल में महके में सुकून अता फरमा। इस दौरान दरगाह शरीफ के खादिम खास अलहाज सरफराज आलम चिश्ती साबरी, सूफी मुमताज आलम चिश्ती साबरी, खादिम आस्ताना सूफी राशिद मियाँ अलमारूफ सूफी भूरे मियाँ कादरी, सैयद आदम अली कुद्दूसी साबरी, सैयद रागिब अली कुद्दूसी, अब्दुल कादिर कुद्दूसी, सैयद नुसरत अली सूफी, इकरामुद्दीन जुहैब हसन कुद्दूसी, मस्तान साबरी,
सूफ़ी जाहिद हामिदी वगैरह समेत कसीर तादाद में खानकाही बनिस्बती हजरात मौजूद रहे। दुआ से कबल खलीफा सैयद यूसुफ अली कुद्दूसी साबरी ने हाजरीन को खिताब करते हुए हजरत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की अजमत और करामात भी बयान फरमाई। आपने कहा, यहाँ अगर सरकार सैदना शाह इब्राहिम साहब मोहल्ला पीरजादगान मुरादाबाद में हम हर माह की 23 तारीख असर के बाद में बड़े जोश व खरोश के साथ में सरकार सैदना मदरुद्दीन अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह की मनाते हैं। वहाँ जो उनके आलम पाक का रौजा है वो गंगो शरीफ में है, ज़िला सहारनपुर में। और आप एक बहुत ही ज़बरदस्त जैत बुजुर्ग जिनकी वजह से आप कलिया शरीफ जा पाते हैं, मजार साबिर पाक की ज्यारत कर पाते हैं, ये वही सरकार सैयदना मजरुद्दीन अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह जो आप वहाँ गए मुरीदीन मुहिबीन मुतबस्सिरीन के साथ में और साबिर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का जनाजा जो है वो आपने उनके दफन फरमाया और एक कलामे पाक एक गीत पे लगाया।